अरे ऐसा आदमी है खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में, अपने बाबा दादा की सीट हार गए वहाँ क्या डील करे स्मृति ईरानी से। राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में भी खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोल रहे तेलंगाना में, ये जो जितने बीजेपी से निकल के आ रहे वो मोहब्बत से आए, तो वो कौन सी बात कर रहे, कहाँ की बात कर रहे। और हमारे कपड़ों पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी शेरवानी पर, हमारे कुर्ता पैजामे पर, टोपी पर, दाढ़ी पर, ये मोहब्बत की बातें हैं। ये मोहब्बत नहीं है तो खुली नफरत है, तो ये इनका है असल हिपोक्रेसी इनकी है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज है, उसके बारे में और एक नेक्स्ट पॉइंट मिलना सर, ये तो बोल दीजिए। देखिए उस मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, सब एक कागज को काला कर दिया गया है। हाँ एक बात जो है उसमें कि जो शादी की स्कीम है जो महिलाओं को खवातीन दी जाएंगी उसमें नॉन मुस्लिम को सोना दे रहे हैं और मुस्लिम और माइनॉरिटीज को सोना नहीं दे रहे हैं, इससे इनकी फिरका परस्ती का इजहार होता है और कुछ है ही नहीं उसमें, सिर्फ कागज काला कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो स्कीमें चल रही हैं, हर हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई हजारों खवातीन को शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और आसरा पेंशन मिल चुका है, कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। जैसे मुस्लिम डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है और वरंगल बीसी डिक्लेरेशन के बारे में, देखिए एक बात सुनिए, मध्य प्रदेश में इंतखाबात हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, राजस्थान में 25 तारीख को होगा, वहां पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्यों नहीं आ रहा, वहां माइनॉरिटीज को डिक्लेरेशन क्यों नहीं दे रहे आप। यहाँ पर इसलिए दे रहे कि यहाँ पर MIM पार्टी मजबूत है, यहाँ पर माइनॉरिटीज और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डर के देना पड़ रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे ही नहीं रहे हैं आप, तो यहाँ दे रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट MIM को जाता है। कुछ होने वाला नहीं है, मजलिस अपने 7 सीट पर कामयाबी हासिल करेगी इंशाल्लाह, और साथ ही साथ राजेंद्रनगर जुबली हिल्स पर भी हमारा MLA मुंतखब होगा, और हमने जो तेलंगाना में जो ताईद का फैसला लिया है इंशाल्लाह अल्लाह उसकी भी लाज रखेगा और अल्लाह उसको इनको कामयाब भी करेगा। सर कल राहुल गांधी जी वरंगल में कैंपेनिंग कर रहे थे तो वहाँ पे कमेंट किया बीजेपी ने MIM सपोर्ट कर रहा है और टोटली इसको बोलते BRS को सपोर्ट कर रहे हैं। BRS अरे ऐसा आदमी है खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में, अपने बाबा दादा की सीट हार गए वहां क्या डील करे स्मृति ईरानी से। तुम ये राहुल जो है पार्टी का प्रेसिडेंट थे 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में, 520 या 30 सीट पर लड़के 50 सीट जीते, तो आप भी क्या डील कर लिए थे क्या, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। और खुद राहुल गांधी उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ अलायंस करे, वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका रोल रहा है, मुंबई की सड़कों पर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, और ये इनको जो शिवसेना को सपोर्ट करे, शिवसेना सेक्युलर हो गई क्या, ये दुकान चला रहे हैं, ये नहीं चाहते कि मजलिस अल्पसंख्यक समाज हो या गरीबों की एक आवाज बन के जो भर रही है उनसे उनको तकलीफ हो रही है, तो हम इनसे लड़ते आए लड़ते रहेंगे, हमको कोई फिक्र नहीं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में भी खोल रहे हैं, वो मोहब्बत की दुकान, हाँ मोहब्बत की दुकान खोल रहे तेलंगाना में, ये जो जितने बीजेपी से निकल के आ रहे वो मोहब्बत से आए, वो मोहब्बत के पुजारी है, वो इनका खुद सदर जो है RSS का है, RSS से ABVP, ABVP से TDP, TDP से फिर कांग्रेस में आया, वो खुद संघी है, तो वो कौन सी बात कर रहे, कहाँ की बात कर रहे। और हमारे कपड़ों पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी शेरवानी पर, हमारे कुर्ता पैजामे पर, टोपी पर, दाढ़ी पर, ये मोहब्बत की बातें हैं, ये मोहब्बत नहीं है तो खुली नफरत है, तो ये इनका है असल हिपोक्रेसी इनकी है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।